हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे मुंबई वाले सर का। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस 2023 का जो राउंड 2 चालू है उसके बाद क्या होगा उससे रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो उनके बहुत सारे डाउट्स थे यहाँ पे कि अभी आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो बच्चे कन्फ्यूज़ है तो उससे रिलेटेड आज का वीडियो होने वाला है। साथ ही साथ राउंड 2 कब स्टार्ट होने वाला है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और कट ऑफ, यस, हर एक राउंड में कट ऑफ कितना नीचे जाता है इसके रिगार्डिंग जो भी आपके कमेंट आए हैं उन सभी से रिलेटेड आज यहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिए। और यस गाइस, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए ताकि आपको ऐसे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यहाँ पे बात कर लेते हैं राउंड 2 का एंडिंग डेट क्या है। तो यस गाइस, आज दैट इज 5th ऑफ जुलाई को राउंड 2 का जो जिनको कॉलेज अलॉटेड हुआ है उनका एडमिशन का लास्ट डेट है और शाम को 6 बजे तक ये टाइम है। तो जिन बच्चों को कॉलेज अलॉटेड हुआ है लेकिन अभी तक उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है तो फटाफट जाके अपना एडमिशन पहले कंफर्म कर लीजिए ताकि आप लोग का मतलब एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो आप लोग कॉलेज जा सकते हो। अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं ऐसे बच्चे जिनको अभी तक कॉलेज अलॉटेड नहीं हुआ है उनका क्या, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी आगे क्या करें वगैरह, या ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हैं या पैसा वगैरह मतलब डोनेशन वगैरह देके एडमिशन ले सकते हैं क्या। तो गाइस, इतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी आपके पास बहुत सारे राउंड पड़े हुए हैं तो आप लोग को आसानी से कॉलेज लग सकता है। बस कॉलेज सिलेक्ट करते वक्त प्रॉपरली सिलेक्ट कर दीजिए क्योंकि इसके बाद राउंड नंबर 3 होने वाला है, देन स्पेशल राउंड होगा। स्पेशल राउंड 1 तो एटलीस्ट बोला ही गया है तो 1 और 2 भी हो सकता है और साथ ही साथ गाइस कुछ डेली राउंड्स भी होने वाले हैं। तो डेली राउंड्स में आप लोग हर रोज आपको मतलब कॉलेजेस की लिस्ट आएगी एंड देन उसके हिसाब से आपको एडमिशन लेने का है। तो यहाँ पे अगर आप लोग गाइस ओवरऑल देखोगे तो आपके पास और भी 4-5 ऐसे चांसेस है जिसमें आप लोग आसानी से एडमिशन ले सकते हो। तो आपको इतना अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आगे किस तरह से होगा क्या होगा, आप लोग आसानी से एडमिशन ले सकते हो। जस्ट गाइस फॉर्म फिलिंग करते वक्त प्रॉपरली फॉर्म फिलिंग कर दीजिए और आपको फॉर्म फिलिंग करते वक्त कॉलेजेस कौन से चाहिए किससे चाहिए इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट रहेगा तो हमें कमेंट कर दीजिए या हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये टाइम टू टाइम अपडेट मैं आपको देते रहता हूँ। सेकेंड गाइस, यहाँ पे है कि कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ कितना नीचे आएगा। बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट कर रहे हैं मुझे इतने मार्क्स है और मेरा जो कॉलेज एक्सपेक्ट है उसके इतना मार्क्स है तो इतना डिफरेंस है तो मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो गाइस यहाँ से ये बताना डिफिकल्ट है, नॉर्मली मैंने बहुत बार बोला है आपको 10 से 15 मार्क्स से कट ऑफ नीचे गिरता है लेकिन कुछ कॉलेजेस का कट ऑफ सेकेंड राउंड में बढ़ भी गया है, ये भी हम लोग ने देखा है। इसके पीछे रीज़न यही होता है गाइस कि बहुत सारे बच्चे अगर उसी कॉलेज में फिर से मतलब सेकेंड राउंड में अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका लिस्ट का जो कट ऑफ है वो बढ़ सकता है। तो वैसे ही अभी इस राउंड 3 में भी होने वाला है, कुछ कॉलेजेस के कट ऑफ नीचे जाएंगे तो कुछ कॉलेजेस के कट ऑफ आगे भी जा सकते हैं लेकिन मैक्सिमम वो नीचे ही जाते हैं और 10-15 मार्क्स का एक डिफरेंस नॉर्मली रहता है। तो आप लोग ये बातें याद रख के उसके अकॉर्डिंगली फॉर्म फिलिंग कर दीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि राउंड नंबर 3 कब से स्टार्ट होगा। तो देखिए गाइस, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आज राउंड नंबर 2 का जो एडमिशन का लास्ट डेट है तो इसके बाद ही राउंड नंबर 3 चालू हो सकता है। तो अगर डेट एक्सटेंड नहीं किया तो ये कल से स्टार्ट हो सकता है, अदरवाइज परसों से तो ये 100% चालू हो सकता है। मतलब आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो 6 जुलाई या 7 जुलाई से ये आपका राउंड 3 के लिए फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चालू हो सकता है। अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इनको ये डाउट है कि हम लोग अपना यहाँ पे स्ट्रीम वगैरह चेंज कर सकते हैं, कॉलेज एडिट वगैरह कर सकते हैं क्या, या कास्ट रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब अपलोड कर सकते हैं क्या। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग राउंड 3 के लिए भी सभी चेंजेस कर सकते हो, जो भी चेंजेस आपको करने के हैं वो सभी चेंजेस आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, पार्ट 1 पार्ट 2 का फॉर्म फिल कर सकते हो, उसमें कुछ अपडेट करने के, कॉलेज प्लस माइनस करने के, वो सभी चीज़ें आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। तो ये बात यहाँ पे क्लियर है कि आप लोग ये सब चेंजेस कर सकते हो। तो आई होप कि आपके जो गाइस मेजर जो 4-5 डाउट थे यहाँ पे मैंने क्लियर करे हैं। इसके अलावा और भी कुछ डाउट रहेगा तो हमें कमेंट कर दीजिए और अगर आपके डाउट्स कुछ ज़्यादा रहेगा तो मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर दीजिए और टेलीग्राम पे आप लोग मुझे टेक्स्ट कर दीजिए तो वहाँ पे मैं गाइस आपको अच्छी तरह से गाइड कर दूंगा। टेलीग्राम का ग्रुप में गाइस आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ रहा हूँ तो वहाँ से ज्वाइन कर दीजिए और जो भी आपके डाउट रहेगा क्लियर कर दीजिए। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।